देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को आ रहे हैं। उनके द्वारा सागर के इतिहास में पहली बार ढाना हवाई पट्टी पर आयोजित सभा को संबोधित किया जाएगा। सागर के बर्दुआ में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण किया जाना है, जिसका भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम बर्दुआ में होना था, लेकिन बारिश के चलते इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया और अब ढाना में हो रहा है। यहां पर करीब 14 एकड़ की जगह का समतलीकरण किया जा रहा है। वहीं 1000 फीट लंबा और 450 फीट चौड़ा वाटरप्रूफ डोम तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 1,00,000 लोगों के बैठने की क्षमता रहेगी। वहीं करीब 3,500 बसों से यहाँ पर लोगों को लाए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। शासन प्रशासन अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जल्द ही यहां पर पीएमओ से भी एक टीम निरीक्षण करने के लिए सागर पहुंचेगी। भाई मोदी जी, 12 अगस्त को सागर में रविदास जी महाराज का 100 करोड़ रुपए के भव्य मंदिर, जन चेतना का केंद्र यहां पे बनने वाला, उसके लिए भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोग रहेंगे। उसी की तैयारियों के लिए आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों प्लस हमारे जनप्रतिनिधियों की सभी की बैठक थी। ढाना में यह कार्यक्रम होने वाला है। ढाना में हम लोग देख के भी आए हैं, वहाँ का जायजा दे के आए हैं। वहाँ की सब व्यवस्थाएँ बड़े तेज गति से चल रही, तूफानी गति से।